आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन के दिन तंत्र मंत्र और बुरी नजर से बचाव के लिए आपको क्या उपाय और टोटके करने चाहिए। होलिका दहन इस साल 2019 में 20 मार्च को है और दिन है बुधवार। देखिए, होलिका दहन की रात्रि का बहुत महत्व है। हमारे शास्त्रों में चार विशेष रात्रियों में से एक बताया गया है होलिका दहन वाली रात्रि को, और इस रात्रि को अहोरात्रि कहते हैं। यह रात्रि तंत्र साधना और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ खुद पर किए गए तंत्र मंत्र के प्रतिरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। तंत्र शास्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ खास उपाय करने से मनचाहा काम हो जाता है। तंत्र क्रियाओं के लिए प्रमुख चार रात्रियों में से एक रात है। मान्यता है कि होलिका दहन के समय उसकी उठती हुई लौ से कई संकेत मिलते हैं। पूरब की ओर लौ उठना कल्याणकारी होता है, दक्षिण की ओर पशु पीड़ा, पश्चिम की ओर सामान्य और उत्तर की ओर उठने वाली जो लौ होती है वो बारिश होने की संभावना बताती है। तो चलिए तंत्र मंत्र के बारे में आपको बताते हैं। तंत्र मंत्र और काली नजर से बचाव के लिए आपको क्या करना है। होली की आग से अंगारे लाकर, होली की जो आग जलती है वहां से अंगारे लाकर उसे पीस कर उसे स्याही बना लीजिए और एक सफेद कपड़े पर एक मनुष्य की आकृति बनाकर उसमें काले तिल भरकर पुनः होली में डाल दीजिए, तो दूसरे का जो भी किया धरा है वो नष्ट हो जाएगा, निश्चित तौर पे नष्ट हो जाएगा। होली की भस्म का टीका लगाने से नजर दोष और प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। घर में भस्म को चांदी की डिब्बी में रखने से ऐसी कई बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती है। कार में बाधाएं आने पर आटे का चौमुखा दीपक सरसों के तेल से भरकर कुछ दाने काले तिल के डालकर एक बताशा, सिंदूर और एक तांबे का सिक्का डाल दीजिए। होली की अग्नि से जलाकर घर पर ये पीड़ित व्यक्ति पर उतारकर सुनसान चौराहे पर रख दीजिए और बगैर पीछे मुड़े वापस आइए और हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश कीजिए। जलती होली में तीन गोमती चक्र हाथ में लेकर अपने अभिष्ट कार्य को 21 बार मानसिक रूप से कहकर गोमती चक्र अग्नि में डाल दीजिए और प्रणाम करके वापस आ जाइए। देखिए कैसा काम होता है। यदि आपके बिजनेस को बुरी नजर लग गई है तो एक दिन पहले फिटकरी के 6 टुकड़े अपनी दुकान, शोरूम या ऑफिस में रात को छोड़ दीजिए। तो वो रात कौन सी होगी? वो 19 तारीख की रात होगी, क्योंकि 20 तारीख को होलिका दहन है। अब होली की शाम उन्हें ले जाकर कपूर, अलसी, गन्ने के टुकड़े और गेहूं के साथ मिलाकर होलिका दहन में डाल दीजिए, तो आपके जो बिजनेस है उसे दूसरों की नजर नहीं लगेगी। जैसे कभी कभी नजर वगैरह की वजह से काफी लोग बीमार रहते हैं, तो अगर परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है तो होली की रात सफेद कपड़े में 11 गोमती चक्र, नाग केसर के 21 जोड़े तथा 11 धन कारक कौड़ियां बांधकर कपड़े पर हर श्रृंगार तथा चंदन का इत्र लगाकर रोगी पर से 7 बार उतार कर किसी शिव मंदिर में अर्पित कर दीजिए। ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि जो व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति था, वो स्वस्थ होने लगेगा। यदि बीमारी गंभीर है तो यह शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आरंभ कर लगातार 7 सोमवार तक किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको तंत्र मंत्र और नजर से बचाव के लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं, और यदि आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी नज़र, आपका उतरना ही है, आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक उसमें तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें।
और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।